वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने हमारे लास्ट क्लास में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज पढ़ा था, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में आज इस वीडियो के थ्रू हम हमारे और दो फेजेस, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल फोर फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रोलीफरेटिव फेज, और उसके बाद में है ओव्यूलेशन फेज। तो यहाँ पर हम ये दो फेज देखेंगे, और जो तीसरा फेज है सीक्रेटरी फेज वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो सबसे पहले देखो, प्रोलीफरेटिव फेज या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। जैसे कि आपको पता है कि जो भी मेंस्ट्रुअल फेज है वो पहला फेज होता है, मतलब जिस दिन से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होती है, उस डे को फर्स्ट डे कंसिडर करते हुए पहले 5 दिन तक जो है दैट फेज इज़ कंसिडर्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद में राइट फ्रॉम द फिफ्थ डे के बाद का जो फेज़ है अप टू 13th डे, 13वें दिन तक का जो फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोलीफरेटिव फेज, या फिर उसे फॉलिकुलर फेज कहा गया है। इसे फॉलिकुलर फेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इस फेज के दौरान जो नए फॉलिकल्स हैं वो तैयार होना शुरू होते हैं, ताकि नया ओवम जो है वो रिलीज होने की तैयारी हो सके, ओव्यूलेशन की तैयारी हो सके, ठीक है। तो देखो, दिस फेज इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड रिलीज ऑफ ओवम। ये वो फेज है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल फेज है, मतलब जो पहले 5 दिन है वो खत्म होने के बाद में ओवम जब रिलीज होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, इन दोनों के बीच का जो फेज है दैट इज कॉल्ड एज प्रोलीफरेटिव फेज। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज इज मोर वेरिएबल देन, ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज मोर वेरिएबल देन अदर फेज, जनरली एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर ज़्यादा इसे वेरिएबल कहा गया है इस फेज को। क्यों वेरिएबल कहा है? क्योंकि इसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, लगातार जो है वो फॉलिकल्स तैयार होते हैं। और ये जैसे बताया मैंने आपको कि 5वें दिन से तो 13वें दिन तक का जो टाइम पीरियड है, जो कालावधि है, उसे प्रोलीफरेटिव फेज कहा गया है, ठीक है। देन अ फ्यू मतलब क्या, 6 से 12 ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं जो तैयार होना शुरू होते हैं। मतलब एक ही सेकेंडरी फॉलिकल तैयार नहीं होता, एक ही ओवम रिलीज होता है, एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल एक ही नहीं बनता है, एक से ज़्यादा बनते हैं। सारे के सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक ही सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। मतलब 6 से 12 ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं जो लगातार तैयार होते हैं, लेकिन धीरे 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 उसमें से बाकी सारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट हो जाना मतलब वहाँ पर जो है वो उसी ओवरी के वॉल में जो है वो क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही है जो मैच्योर हो पाता है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल एक नहीं, एक से ज्यादा तैयार होते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी अटेंड करने वाला सिर्फ एक ही फॉलिकल होता है, ठीक है। वही बताया कि जो दूसरे बचे हुए सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट होते हैं, और जो प्रोसेस होती है डीजनरेशन की उसे कहा जाता है एटारसिया, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी अनवांटेड या एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, क्योंकि एक ही ग्राफियन फॉलिकल चाहिए, बाकी जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर जो भी ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जो डेवलप हो रहे होते हैं, इनका काम है, मतलब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं, ये ईस्ट्रोजेन हार्मोन तैयार करना शुरू कर देते हैं। ईस्ट्रोजेन हार्मोन तैयार होना शुरू हो गया मतलब जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस शेड ऑफ हो गई थी, मतलब जो एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय है, उसकी जो अंदरूनी सतह है, अंदरूनी लेयर है, वो क्या हो गई थी? पतली हो गई थी मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से। तो वो अब धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी उसकी थिकनेस जो है, उसकी मोटाई जो है वो बढ़ना शुरू होने लगेगी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हॉर्मोन, ठीक है। Then, stimulation for proliferation of new follicles is influenced by GnRH, which stimulates release of follicle stimulating hormone. Gonadotropic hormone जो है, ठीक है,
ये गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से जो है वो FSH हार्मोन तैयार होना शुरू होता है। FSH हार्मोन का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो ओवरी के लेयर के पास में जो छोटे छोटे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स हैं उन्हें पहले प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इंटू सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड देन लेटर ऑन दी सेकेंडरी फॉलिकल आर कन्वर्टेड इंटू ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करना ताकि उनका ओवम का डेवलपमेंट उनके अंदर होना शुरू हो जाए, ये किसकी वजह से होता है? FSH हार्मोन, जिसका मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये FSH हार्मोन किसके इशारे पे काम करता है? GnRH मतलब गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये, ठीक है। मतलब ये जो भी ओवरी है उसे मैसेज देता है कि FSH हार्मोन रिलीज करो, और जैसे ही FSH हार्मोन रिलीज होता है वैसे ही फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन जैसे बताया मैंने आपको कि एंडोमेट्रियम बिगिंस टू रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन। धीरे धीरे ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ते चली जाती है, और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन या हार्मोन की मात्रा बढ़ते चली जाती है आपके गर्भाशय का जो लेयर है अंदर का लेयर वो मोटा होते चला जाता है, ठीक है। वो कितना मोटा होता है? रीजनरेट, दोबारा से जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान वो क्या हो गया होता है? झड़ गया होता है, शेड ऑफ हो गया होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है। अब दोबारा से उसकी रिपेयरिंग शुरू होती है, और रिपेयरिंग होने के बाद में उसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। रीजनरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, एंडोमेट्रियल और यूटेराइन ग्लैंड एंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो भी ये थिकनेस है एंडोमेट्रियल की है, जब बढ़ती है तो इसमें एंडोथेलियल सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। एंडोमेट्रियल या फिर उसे यूटेराइन ग्लैंड, वहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, मेंटेन करता है, तो वो ग्लैंड्स भी वहाँ पे दोबारा से रिपेयर होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो तीन लेयर है उसमें से एंडोमेट्रियम वो लेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो वो जो ब्लड वेसल्स जो डैमेज हो गए थे मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान वो दोबारा से क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम रीचेस 3 to 5 mm। जो भी मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जब ब्लीडिंग हो रही थी उस दौरान जो थिकनेस 1 mm तक पतली हो गई थी वो ईस्ट्रोजन की मदद से बढ़ते बढ़ते 3 mm मतलब 3 mm से लेके तो 5 mm तक बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो भी फेज़ है या ये जो भी बदलाव है ये कौन से फेज़ में आता है? प्रोलीफरेटिव फेज़, जो दूसरा फेज़ है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज़ या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़। पोस्ट मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, मेंस्ट्रुअल फ्लो होने के बाद का फेज़, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इज़ ओविलेटरी फेज़। ये वो फेज़ है जिसमें जो भी ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर में ओवम ट्रैप्ड है वो ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ कर बर्स्ट कर उसमें से ओवम क्या होगा? बाहर रिलीज होगा। तो ये वो फेज़ है, ठीक है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सबसे छोटा फेज है क्योंकि ये ज़्यादा समय के लिए लास्ट नहीं करता, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रप्चरिंग ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम दैट इज सेकेंडरी ओसाइट इनटू द पेल्विक कैविटी यूजुअली ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि आपको पता है कि प्रोलीफरेटिव फेज जो है वो 13वें दिन तक होता है, लेकिन इसके बाद में जो 14वां दिन होता है विच इज़ द मिडल डे ऑफ योर होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका बीच का जो दिन होता है वहाँ पर जो भी ग्राफियन फॉलिकल जो अपने अंदर एक मैच्योर ओवम लेकर आ रहा है जिसे सेकेंडरी ओसाइट भी कहा जाता है ये बस्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल फूट जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के फूटने की वजह से ओवम बाहर निकल आता है। कौन से दिन होता है? 14th डे पे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। 14वें दिन पे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसका जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का होता है, लेकिन किसी में ये डेज जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट एक स्टैंडर्डाइज अगर हम बोले कि ओविलेशन का जो डे है वो 14th डे होता है, फिर डिपेंड करता है कि आपका साइकिल कितना लंबा है, कितने समय का है, उसके बीच वाले दिन में ओविलेशन होता है, ठीक है।
देन रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जल्दी जल्दी जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो तैयार होता है, जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ उसमें से ओवम रिलीज हुआ वैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनना शुरू होता है, ठीक है, बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कॉज्ड बाय मैच्योर फॉलिकल टू रप्चर। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे रिलीज होता है, क्योंकि जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था वो फूट गया, वैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में ओविलेशन मे बी अकम्पनीड बाय माइल्ड और सीवियर पेन इन लोअर एब्डोमेन। हो सकता है कि जब आपके ओवरी में से ओवम बाहर आ रहा है, पेल्विक कैविटी में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरी से फिर वो ओवम जो है वो फिमरी कलेक्ट करते हैं, फिमरी से फिर वो इन्फेंडिबुलम में जाता है और फिर बाद में एम्पुला में आकर रुक जाता है और ग्रेफियन फॉलिकल में आता है, ठीक है, सॉरी ग्रेफियन फॉलिकल नहीं, फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान जो है वो आपको पेन भी हो सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के निचले हिस्से में आपको पेन भी हो सकता है, दैट इज़ द साइन ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन सम केसेस। कुछ लोगों में पेन होता है, कुछ लोगों में नहीं होता, तो ये एक इंडिकेशन है कि ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमने सेकेंड और थर्ड फेज देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फर्स्ट फेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब बचता है फोर्थ फेज विच इज़ द सीक्रेटरी फेज, जिसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हॉर्मोन का क्या फंक्शन होता है ये सारी चीज़ें हमें देखना है, लेकिन वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।